हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आपको स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली एक स्विच बोर्ड की वायरिंग करके दिखाऊंगा, जैसे कि आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बने रहना। और सॉरी फ्रेंड्स, कुछ दिनों से हमारा जो कि वीडियो नहीं आ पा रहा था, जो कि मैं फाइनल ईयर का एग्जाम के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो अभी जो कि वीडियो रेगुलर आएगा हमारे चैनल में, अपलोड में कर दूंगा। और आप जरूर ही इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिए घंटी बटन को दबाकर ऑल में क्लिक करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीटली देखना और सीखना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना है। तो शुरू करते हैं आज स्विच बोर्ड को वायरिंग करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर एक स्विच बोर्ड ले लिया हूँ, साथ ही यहाँ पर जो कि 5 पिन सॉकेट और 2 पिन सॉकेट को यहाँ पर असेंबल कर दिया हूँ पहले से ही। और यहाँ पर स्विच और इंडिकेटर को भी यहाँ पे असेंबल कर दिया हूँ वीडियो लंबा ना होने के लिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कि यहाँ पे इसको कनेक्शन कर दिया हूँ। अभी हम इसका कम्प्लीटली वायरिंग करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों, अभी हम यहाँ पर एक कॉपर का जो कि वायर लेंगे और यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए स्विच में। और यहाँ पर लगा लिया हूँ, अभी यहाँ पे फिटिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ बाकी का कनेक्शन। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सभी में जो कि नट को यहाँ पे टाइट कर दिया हूँ। यहाँ पर भी इसको टाइट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो कि टाइट कर दिया हूँ, अभी नट कर दिया हूँ। अभी वैसे ही यहाँ पर सॉकेट में भी ऐसे ही कनेक्शन यहाँ पर कर देंगे, फिर बाकी का कनेक्शन मैं दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कॉपर का वायर ले लो, इसके ऊपर साइड को यहाँ पर ऐसे कनेक्शन कर देंगे। तो इसका भी कनेक्शन करते हैं जल्दी से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैंने वैसे ही कनेक्शन कर दिया हूँ। फिर यहाँ पे जो कि 5 पिन सॉकेट का इस वाले पॉइंट पर हम ये वायर को यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अटैच कर दिया हूँ। अभी ये नट को भी यहाँ पर टाइट कर दूंगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइट कर देंगे, फिर ये जो एक्स्ट्रा वायर आया है कॉपर का, यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। तो जल्दी से इसका भी यहाँ पर कम्प्लीटली कनेक्शन कर देते हैं, फिर जो कि हमारा स्विच से सॉकेट में कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कि बाकी यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है, ये स्विच में भी कनेक्शन कर दिया हूँ नीचे वाला ये सभी पॉइंट्स को, और यहाँ पे सॉकेट का भी ऊपर वाला सभी पॉइंट को कनेक्शन कर दिया हूँ, और यहाँ पे 5 पिन सॉकेट का भी देख सकते हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे कनेक्शन कर दिया हूँ। फिर अभी हम स्विच से और डायरेक्ट सॉकेट में टू पिन सॉकेट में कनेक्शन करके आपको दिखाकर मैं आपको फुली डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिए घंटी बटन को दबाकर और में क्लिक करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना और कैसा लगा ये वीडियो। तो फ्रेंड देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर वायर ले लिया हूँ जो कि कॉपर का 3 mm वायर को यहाँ पर ले लिया हूँ। देख सकते हैं मोटा यहाँ पर अच्छे तरह से यहाँ पर सभी को कनेक्शन करके फिर आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर ये सॉकेट से डायरेक्ट स्विच में देख सकते हैं कनेक्शन करें, वैसे ही हम बाकी का भी कनेक्शन यहाँ पर कर देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो कि टाइट कर दिया हूँ, अभी यहाँ पर वैसे ही बाकी का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा, फिर आपको डिटेल से एक्सप्लेन भी करूंगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे तीनों स्विच एंड सॉकेट का भी यहाँ पे कनेक्शन कर दिया हूँ। अभी बाकी 3 स्विच और सॉकेट का यहाँ पे कम्प्लीटली कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे हम जो कि करंट देकर 220 वोल्ट यहाँ पे करंट देंगे, देकर आपको चेक करके दिखाएंगे। तो अगर आपको तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, कितने दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये स्विच से सॉकेट यहाँ पे कनेक्शन, ये तीनों स्विच एंड सॉकेट में कनेक्शन हो चुका है। अभी ये तीनों स्विच एंड सॉकेट में यहाँ पे कम्प्लीटली कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी जो कि कनेक्शन करके आपको दिखा देंगे, काफ़ी यहाँ पर कनेक्शन ये 3 स्विच और सॉकेट में कनेक्शन करके आपको दिखा दें।
यहाँ पर और देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्विच और सॉकेट का बाकी कनेक्शन यहाँ पर सभी कनेक्शन कर देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कम्प्लीटली इसका कम्प्लीटेड नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं स्विच और सॉकेट का यहाँ पे वायरिंग हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर जो कि 220 वोल्ट करंट दूंगा, यहाँ पर दो यहाँ पर वायर का जो कि वायर कनेक्शन करेंगे, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, यहाँ पर लाइन न्यूट्रल और फेस को यहाँ पर कनेक्शन करके करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ यहाँ पर वायर ले लिया हूँ, फिर यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वायर को कनेक्शन कर देंगे और दूसरा वाला यहाँ पर कनेक्शन करेंगे, फिर हम जाकर 220 वोल्ट भी कनेक्ट करके इसका वायर करके दिखाएंगे। इससे एलईडी या फिर कोई भी जो कि मोबाइल चार्ज यहाँ पर उपकरण को लगा कर यहाँ पर यूज़ करके दिखाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सॉकेट में अभी मैं ये वायर को अटैच कर दिया हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर लगा दिया हूँ अभी, और तो ये वायर को यहाँ पर हम जो कि स्विच में यहाँ पर स्विच में कनेक्शन कर देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो कि कम्प्लीटली वायरिंग हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे असेंबल भी कर दिया हूँ, अभी आपको जो कि बोर्ड पे लगा कर ये स्विच बोर्ड को टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये प्लग को हमारा जो कि स्विच बोर्ड में लगा दूंगा और पावर देता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो कि इंडिकेटर ग्रो करने लगा है। अभी मैं टेस्टर लेता हूँ और यहाँ पर आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जब मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पावर आना। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो कि पावर आ रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक एलईडी को ग्लो करके दिखाता हूँ, सभी को चेक करके आपको दिखाऊंगा डिटेल से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक एलईडी ले लिया हूँ जो कि 9 वाट का एलईडी, सभी जो कि सॉकेट में लगा कर आपको चेक करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं, यहाँ पर मैं पहले लगा दिया हूँ, अभी देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कि एलईडी अच्छे से ग्लो कर रहा है और वर्क भी कर रहा है। बाकी का भी यहाँ पर चेक करके दिखा दे, बाकी का भी ये सॉकेट को चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर भी लगाता हूँ, तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये भी यहाँ पर अच्छे से हमारा जो कि ये वायरिंग अच्छे से वर्क भी कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिए घंटी बटन को दबाकर ऑल में क्लिक करें। तो दोस्तों फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से वर्क यहाँ पर ये स्विच बोर्ड की वायरिंग करके दिखाया और कैसे वर्क करता है अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।